आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन रीड करिए। किसी वस्तु में बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देते हैं तो इसकी 19% हानि और 17% लाभ में बदल जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग भी रीड करिए जी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पे भी हानि लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब 19 में अगर 17 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 162 डिवाइड 36 तो 100 क्या, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इसको 25 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, फिर इसमें 7 9 अट्ठे 72, तो अब इसमें से 25 अट्ठे कितना हो जाएगा जी, 25 अट्ठे 25 600, 25 अट्ठे 200, 200 की 0 कैरी 220, तो 25 से 25 और 20 45, तो 450, 450 किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तदनुसार घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लाभ दिया है, यहाँ हानि दिया तो प्लस होगा, 30 + 10 = 40 हो जाएगा। यहाँ पे 80 दिया है, 80 / 40 ये 40% है, तो 100% क्या, तो 2 जा जाएगा तो 200 रुपया, तो 200 ऑप्शन बी आ जाएगा जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक दुकानदार के द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि का 28 अधिक है, तो 8% हानि पर बेच ने से मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रहा है, तो दोनों पे ऐड करेंगे, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 होगा। अगर 28 16% है तो 100% क्या, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ये 2 जा चले जाएगा तो 50 दूनी। ये 8 हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ देख करके दिखाता हूँ। 18 / 16 100 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो ए 8 हो जाएगा, ए 7 हो जाएगा, तो ए 4 हो जाएगा, तो 25 + 4 = 25, तो 25 × 7 = 175 होगा, तो 175 पे किस ऑप्शन में दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो लाभ 5% मिलता। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जी आप, हाँ देखिए 20% हानि है, 5% लाभ है, तो क्या होगा, दोनों में प्लस होगा, यहाँ हानि हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, तो प्लस कर दीजिए, 20 + 5 = 25, और कितना का अंतर है, 100 का अंतर है, यदि 100 = 25 है तो 100 क्या, तो 25 + 4 = 400 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह लाभ 20% मिलता, ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो एक तरफ लाभ हो रहा है, उसमें भी लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, तो 16 में अगर 20 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 200 से,
है जी, यहाँ से देख लीजिए, फिर बाद में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें 4% आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो अगर 204% है तो 100% क्या, तो ये 50 आ जाएगा, तो 50 100 कितना हो जाएगा, 5000 हो। तो 5000 ऑप्शन में दिया है जी अपने को, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक फल विक्रेता नियमित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, यदि वह उन्हीं आमों के प्रति 1 रुपया कीमत बढ़ा देता तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य कितना है? एक फल विक्रेता नियमित मूल्य पर आम बेचकर 20% कमाता है, यदि वह उन्हीं आम के प्रति आम 1 रुपया बढ़ा देता है। अब 1 रुपया बढ़ाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है, जो 40% सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में अगर देखेंगे तो सस्ता हो जाएगा, मतलब क्या होगा, घाटा होगा उसको। तो 20 में इसमें अगर देखिए, 1 रुपया अगर 20% है तो 100% क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फायर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है ना सस्ता होने से। तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे, तो 1 की वैल्यू कितने, 1/5 हो जाएगा, तो 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पे बेचने पर 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एक देखिए, यहाँ पे 5% हानि हो रही है और यहाँ 5% की लाभ हो रही है, तो 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए, 5% की लाभ तो 15, दोनों में क्या है, हानि और लाभ, तो 5 + 5 करेंगे तो 10 होगा, तो ÷10 × 100। अगर 15 10% है तो 100% क्या, ये बोल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा। तो 150 कहाँ पे दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेच दी, ठीक है, यदि उसने उसी को 45 रुपया अधिक पर बेची होती तो उसे 5% लाभ मिलता होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपए था? ठीक है, देखिए, एक तरफ यहाँ पे हानि हो रही है, एक तरफ यहाँ लाभ हो रहा है। तो क्या होता है जी, हानि और लाभ होता है तो प्लस होता है, तो 10 और 15 करेंगे प्लस तो कितना होगा जी, 10 + 5 करेंगे तो 15 होगा, और कितना रुपया है, अगर 45 रुपया 15% है, ठीक है, तो 100% क्या, तो 15 + 45 तो कितना हो जाएगा जी, 300 हो जाएगा। तो 300 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें।